वेलकम बैक टू आवर चैनल कश्मीर फ्यूजन। आप हमको फेसबुक या इंस्टाग्राम पे भी पा सकते हैं और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। आज हम आपको दिखाएंगे आप घर पे ये कश्मीरी फेमस स्वीट पुलाव, जिसको मुतंजन या कश्मीर में फेमसली मुतजन कहते हैं, कैसे बनाया जाता है। ये एक स्वीट पुलाव होता है और ये डिफरेंट होता है वाजवान में जो सर्व किया जाता है उस पुलाव से। वाजवान के पुलाव का लिंक हम नीचे दे के रखेंगे, आप चेक कीजिएगा। जो ये मुज्जन होता है, ये स्वीट होता है, इसमें सॉल्ट का बिल्कुल यूज नहीं होता है। तो आप ये घर पे बनाइएगा, ये काफी डिफरेंट टेस्ट का होता है, यूनिक होता है एंड यू विल लव इट। सो द रेसिपीज आर, हमने यहाँ पे हाफ कप लिया है रेजिन्स का, एक कप जरिश, सिनेमन स्टिक्स 5-6 क्लोव्स, ग्रीन कार्डमम छोटी इलायची, ब्लैक कार्डमम बड़ी इलायची, हल्दी, हमने एक कप कोकोनट लिया है और उसको ऐसे ग्रेट किया है, हमने 2 कप बासमती लिया है, यहाँ पे हमने 250 ग्राम शुगर 250 ग्राम शुगर लिया है। तो सबसे पहले आप 4 कप मटन स्टॉक में 2 छोटी चम्मच हल्दी डाल देंगे और फिर जाएगा इसमें 7 से 8 ग्रीन ब्लैक कार्डमम, 6 से 7 क्लोव्स, 7 से 8 ग्रीन कार्डमम और 3 से 4 दालचीनी। जो ये मटन स्टॉक है, इसमें बिल्कुल सॉल्ट नहीं होना चाहिए, ये अनसॉल्टेड होना चाहिए क्योंकि ये स्वीट पुलाव है, इसमें सॉल्ट कुछ भी नहीं डालना है आपको। तो ये मटन स्टॉक में अब हमारे स्पाइसेस जो है, ये फ्लेवर इनका जा रहा है। अब इसी मटन स्टॉक में हम डालेंगे 2 कप बासमती, ये बासमती वॉश करके है, क्लीन करके है, लेकिन सोक करके नहीं है। अब आपको वेट करना है जब तक ना इस बासमती में स्टेन आ जाए, येलो स्टेन हल्दी का, क्योंकि जो ये मुज्जन होता है इट्स येलो इन कलर। तो आप देख सकते हैं स्टेन आ चुका है। अब आपको बासमती इन्हीं स्पाइसेस में कुक करनी है मटन स्टॉक में, जब तक ना ये 70% तक कुक हो गई हो और आपके हाथ से ब्रेक हो जाए उतना। तब तक हम शुगर सिरप तैयार करेंगे। आप लीजिए तकरीबन 1 गिलास पानी और उसमें डाल दीजिए 250 ग्राम शुगर। अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद नहीं करते हैं तो आप चीनी अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हैं, अदरवाइज 2 कप बासमती के लिए 250 ग्राम चीनी इज दैट्स इनफ। ये देखिए आप 70% तक कुक हो गया है, इसमें आपको देखना है, चेक करना है हाथों से कि ये ब्रेक हो रहा है। तो जब भी 70% तक इसमें कुक हो जाएगा तब हम ये इसका स्ट्रेन करेंगे स्टॉक। तो जब हमने ये स्ट्रेन किया है अब हम इसको बर्नर पे रखेंगे और ताकि ये 90% तक कुक हो जाए। यहाँ पे जो हमारा शुगर सिरप थोड़ा रिड्यूस हो चुका होगा उसमें हम डाल देंगे जरिश, आप ये अपने अकॉर्डिंगली डाल सकते हैं कितना पसंद करते हैं आप। हमने यहाँ पे डाल दिया है 1 बड़ा कप, अगर आप कम या ज्यादा डालना चाहते हैं इट्स योर ओन चॉइस। थोड़ा इसको उबाल लेंगे इसमें एंड जब हमारा ये 90% तक डन हो चुका होगा राइस, इसमें इसको हम बाहर निकालेंगे एक बिग प्लेट पे, बिकॉज इसमें हमें ऐड करने हैं ड्राई फ्रूट्स वगैरह, इसीलिए हम इसको बिग प्लेट पे निकालेंगे बाहर, हमने यहाँ पे त्रामी पे रखा है। अब इसमें हम डाल देंगे ये जिरिश अलोंग विद द शुगर सिरप। सो आप देख सकते हैं हम ये जिरिश डाल रहे हैं इसके ऊपर, हर तरफ से आपको इसको ऐड करना है और शुगर सिरप साथ जाएगा, क्योंकि ये राइस 90% तक कुक हो चुका होगा आपका, इसलिए आप ज़्यादा ऐड नहीं कीजिएगा वाटर, उतना ही कीजिएगा जितना ज़रूरत हो। अब हम इसमें डाल रहे हैं घी, घी से आप 3 से 4 बड़ी चम्मच तक डाल सकते हैं या जितना आपको लग रहा है, कि अगर लग रहा है कम पड़ रहा है तो फिर और ऐड कीजिए, अदरवाइज ये काफ़ी है। इनको अच्छे से मिक्स कीजिएगा आप एंड बी केयरफुल, क्योंकि ये राइस भी हॉट होगी एंड शुगर सिरप भी हॉट होगा। तो अब यहाँ पे घी भी अच्छे से हमने मिक्स किया, अब हम स्प्रिंकल करेंगे इस पे जीरा, तकरीबन 2 बड़ी चम्मच जीरा आप स्प्रिंकल करेंगे इसके ऊपर। फिर आप और घी एडजस्ट कर सकते हैं इफ यू थिंक कि घी कम पड़ गया है, लाइक आई सेड इट्स अप टू यू, आप अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हैं।
अब जो हमने कोकोनट ग्रेट करके रखा था वो उसके ऊपर हम डाल रहे हैं। ड्राई फ्रूट्स जो आपको पसंद होंगे आप वही ऐड कीजिए। हम रेजन्स भी डाल रहे हैं तकरीबन आधा कप। अगर आपको इनमें से कुछ पसंद ना हो तो आप ना डाल दीजिए, अगर आपको कुछ और पसंद हो तो वो डाल दीजिए। अदरवाइज जो ऑथेंटिकली ड्राई फ्रूट्स इसमें यूज़ होते हैं वो ज़िरिश होती है, किशमिश होती है एंड कोकोनट होता है। सो अब हम इसको वापस पैन में डालेंगे क्योंकि अब हमें इसको 90 से 100% पूरा कुक करना है दम पे रख के। सो हम इसको वापस रख रहे हैं पैन में। एज यू कैन सी हमने शुगर सिरप पहले ऐड नहीं किया, अदरवाइज वो स्टिक करता बॉटम पे। हमने पहले कुक किया पूरा राइस को 90% तक, अब इसको रखेंगे दम पे। शुगर सिरप हमने कम ऐड किया है। सो हियर यू कैन सी हमने इसको बर्नर पे रखा है लो फ्लेम पे। आप इसको 10 मिनट तक अब फर्दर कुक कीजिए दम पे रखकर एंड आपका जो मुज्जन है वो तैयार हो जाएगा। हियर यू कैन सी हमने इसको रिमूव किया है, जो बासमती है दैट्स कुक्ड एंड आपका मुतंजन इज रेडी। प्लीज़ ट्राई दिस रेसिपी एट होम एंड लेट मी नो इन द कॉमेंट्स हाउ इट टर्न्स आउट। अगर आप चाहते हैं इनमें से कोई और चीज़ खरीदना जो हम यूज़ कर रहे हैं अपने इस रेसिपी में, आप बिलो लिंक्स हमने दे रखे हैं उन पर क्लिक कीजिए एंड आप खरीद सकते हैं उन लिंक से। थैंक यू।